मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास भवन सभागृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास भवन सभागृह का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम मोहन ने कहा कि एक व्यक्ति में जितने प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा हो सकती है वह डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व में देखी जा सकती है। उन्होंने देश को नई दिशा देने में जो भूमिका निभाई है इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती का दिन है, उनका जन्म दिवस है। ऐसे समय में पंचायत ग्रामीण विकास के यशस्वी मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी द्वारा आज ये सभागार के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था, मैं स्वयं इसमें शामिल हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा स्थान है और खासकर किसानों को बैठ कर के राजधानी में बात करने की कोई जगह नहीं थी। इसकी जगह बनने से खासकर सभी प्रकार की विचार गोष्ठियाँ, अलग अलग प्रकार की जींस आ रही है बहुत प्रकार की फसलों की और अन्य कारणों से विधानसभा के पास में एक स्थान पर बैठने के लिए बहुत अद्भुत ये सभागार बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें हम आजाद भारत में देश की एकता और अखंडता के लिए पहला बलिदानी मानते हैं उनकी जयंती है, और उनकी जयंती पर विकास भवन के इस सभागृह का नाम डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। पंचायती राज इस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी है और इसलिए मुझे लगता है कि ये उपयुक्त नाम है। एक शिक्षाविद, एक योजनाकार और एक महान बलिदानी और त्यागी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पर इस सभागृह के नाम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय दिया। वहीं भोपाल के लालघाटी चौराहे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण भी किया। मूर्ति अनावरण के मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन खुली किताब की तरह है, जिन्होंने देश की अखंडता और एकता को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण को दुनिया के सामने रखा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके संकल्प को पूरा करने का काम किया जा रहा है। मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, महापौर से सांसद का सफर का साक्षी अगर कोई स्थान है तो ये हमारा अपना आज का प्रतिमा स्थल है। मेरी अपनी ओर से आप सबको डॉक्टर मुखर्जी का जीवन सबके सामने खुली किताब की तरह और अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरा देश उनके उस योग्य बलिदान को कभी भूल नहीं सकता है जो उन्होंने, वैसे तो बहुत सारे योगदान है लेकिन दो बड़े भूमिका, एक बंग भंग आंदोलन के समय पश्चिम बंगाल का विभाजन देश के लिए कितना खतरनाक होगा ये इंगित किया, दूसरा धारा 370 को लेकर के न केवल देश का ध्यान आकर्षित किया बल्कि आत्म बलिदान करके पूरे देश को इस तरफ ध्यान आकर्षित किया कि ये धारा 370 भविष्य का बहुत बड़ा खतरा होगी। हमारे जनसंघ के आद्य संचालक की तरह हमारा एक तरह से आद्य अध्यक्ष के नाते से जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष है ना, संस्थापक अध्यक्ष जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से हमारा दृष्टिकोण दुनिया के सामने देश की एकता अखंडता को लेकर क्या होना चाहिए, कि जनसंघ के समय से आज़ादी के तुरंत बाद राजनीतिक दृष्टिकोण में राष्ट्रवादी विचार को ला करके जिस प्रकार से मुखर्जी ने अपनी भूमिका अदा की है हम सब कभी उनको भूल नहीं पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं भोपाल नगर निगम को, प्रशासन को, सभी को बधाई देना चाहूँगा, ये अच्छा कार्यक्रम हुआ है आज के इस अवसर पर, पुनः सबको बधाई। कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती का अवसर है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को सबको बधाई और शुभकामनाएं तो देता ही हूँ, लेकिन आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ के मूर्ति का जो अनावरण आज किया है ये हम सबके लिए गौरव का दिन है कि ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और उसके लिए इस देश में एक नए राजनीतिक दल जनसंघ की स्थापना करने के बाद इस भारत के अंदर संकल्प उन्होंने लिया जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज हमारा सौभाग्य है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और उस संकल्प को पूरा करने का काम किस देश के अंदर धारा 370 नहीं है। इसलिए हम सब आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।